फ्रेंड्स, सर्दियों में प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए, फूलों का आकार बड़ा करने के लिए और प्लांट को सूखने से और मरने से बचाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट की कीड़ों से, इंसेक्ट से सुरक्षा करेगा। साथ ही जो बढ़ता हुआ ठंड का प्रकोप है और उस ठंड में पाला कोहरा जब आता है तो प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है और प्लांट सूखने लगता है या प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, सर्दियों में किसी तरह से प्लांट को ख़राब नहीं होने देगा, प्लांट भरपूर मात्रा में फ्लॉरिंग करेगा और उसकी ग्रोथ भी लगातार बनी रहेगी। क्योंकि यदि हम कड़ाके की सर्दी में अपने प्लांट को इस तरह की चीज़ें नहीं देते हैं तो प्लांट सर्दी में बचाना मुश्किल हो जाता है, प्लांट इतनी ज़्यादा सर्दी की मार को नहीं झेल पाता है। तो हमें समय समय पर अपने प्लांट को पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहेगी और प्लांट फूल देता रहेगा और सर्दियों में हम अपने प्लांट को ख़राब होने से बचा पाएंगे। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे हों, फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों, सभी में बेहद फ़ायदेमंद है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स इस फर्टिलाइज़र में प्लांट के लिए मिल जाएंगे और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, प्लांट पहले ग्रोथ कर रहा था लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करना बंद कर दिया है, तो आप ये फर्टिलाइज़र डालें, आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में ही आपके प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो गई है। फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक ना हो। यदि प्लांट बीमारियों से ग्रसित रहता है या उसमें इंसेक्ट, फंगस लगे रहते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, हम किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करें प्लांट पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है प्लांट को स्वस्थ रखना। तो मैंने इसमें जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वो प्लांट को इंसेक्ट फ्री रखेगी, फंगस फ्री रखेगी। मिट्टी में किसी तरह के यदि इंसेक्ट होंगे, चींटियाँ होंगी, तो वह भी दूर रहेंगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इसको किसी भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। महीने में एक बार इसको यूज़ करके देखें, पूरी सर्दियों प्लांट हरा भरा और स्वस्थ बना रहेगा। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली जार लेना है, आप थोड़ा बड़ा सा जार ले लें जिससे प्लांट के लिए जो फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं वो आसानी से बन सके। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये उपले के टुकड़े, जो कंडे होते हैं उनका यूज़ करें आप, पुराने कंडे होने चाहिए। तो मैंने एक कंडे के ये टुकड़े कर लिए हैं और इन टुकड़ों को मैं फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करूँगी। नाइट्रोजन के साथ साथ सारे पोषक तत्वों से भरपूर रहते हैं ये कंडे के टुकड़े, इसको इस जार में डाल देना है। उसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है, पोटेशियम रिच ये छिलके हैं, प्याज के छिलके हमारे घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं और प्लांट की पोटेशियम की कमी को दूर करते हैं। यदि प्लांट में पोटेशियम की कमी होती है तो प्लांट अच्छी तरह से फल फूल नहीं दे पाता है, उसकी जड़ों का विकास नहीं हो पाता है और इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में प्लांट को इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं ये पोटेशियम रिच छिलके प्याज के छिलके ले रही हूँ। 2 मुट्ठी प्याज के आपको छिलके ले लेना है और इस जार में इन कंडे के टुकड़ों के साथ ही इसे मिला देना है। इसके बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ यूज्ड की हुई चाय पत्ती है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है, उसका पीएच बैलेंस बना के रखती है और सर्दियों में ये बहुत ही यूज़फुल है प्लांट के लिए। हम यूं ही चाय बनाने के बाद चाय पत्ती फेंक देते हैं लेकिन यदि आप उसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं तो सर्दियों में ये प्लांट के लिए वरदान है, आप सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आपको ये चाय पत्ती ले लेनी है और इसी में मिला देना है। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये गौमूत्र। गौमूत्र एक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड की तरह कार्य करता है, साथ ही ये पावरफुल फर्टिलाइज़र भी है, प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है और ये आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और इसकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, 1 ढक्कन के आसपास मैं ये गौमूत्र लूँगी। लेकिन इसको डालने के पहले हमें इस जार में पानी डालना होगा, तो पहले मैं इसमें पानी डालूँगी, उसके बाद इसका यूज़ करना है। तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया है मैंने, इसके बाद ये 1 ढक्कन गौमूत्र का लेना है। गौमूत्र सर्दियों में प्लांट पर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और सभी प्लांट पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, साथ ही इंसेक्ट से प्लांट की रक्षा करने के लिए, फंगस दूर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमें
तीन दिन के लिए रखना होगा। सर्दियों का टाइम है क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत कम है, तो फर्टिलाइज़र को फर्मेंट होने के लिए टाइम लगेगा, तो मैं इसे तीन दिन के लिए रखूँगी। तीन दिन बाद हम इसका प्लांट पर यूज़ करेंगे। तीन दिन बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। और आपको हर दिन एक बार ढक्कन खोल के इसको अच्छी तरह से हिला देना है। तो अब मैं इसको छानूंगी। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। एक भाग फर्टिलाइज़र और तीन भाग सादा पानी मिलाना है। और महीने में एक बार इसका यूज़ प्लांट के लिए ज़रूर करना है। किसी भी तरह के प्लांट होंगे आपके, हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको डालें।